महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, उसने मन ही मन में एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल के हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। बादशाह अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने इस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल कुछ इस प्रकार थे। सवाल नंबर 1, आकाश में कितने तारे हैं? सवाल नंबर 2, धरती का केंद्र कहाँ है? सवाल नंबर 3, सारे संसार में कितनी स्त्री और कितने पुरुष हैं? बादशाह अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी, यदि वह इनका उत्तर नहीं जानते हैं तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया, फिर एक लोहे की लठ मंगवाई और उसे वहीं गाड़ दिया गया। और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच ले। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुष की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित है, जैसे कि यह मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतारवा दे तो मैं स्त्री और पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है, बीरबल की बुद्धिमता को मैं मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीट करके हंसने लगे और इस बीच वह मंत्री दरबार से निकल गया।